प्रोक्रेश भी समझ लेते वमाक्षी से। आज मॉर्गन स्टैनली ने टाइटन को डाउनग्रेड कर दिया है। नया रेटिंग जो दिया हुआ है वो है इक्वल रेट रेटिंग। प्रीवियसली रेटिंग था ओवरवेट रेटिंग। टारगेट प्राइस है 3,207 रुपीज पर शेयर। वो क्या बता रहे हैं कि जो हमने आउट परफॉर्मेंस देखी थी टाइटन में, मे बी वो टेम्परेली पॉज हो सकती है, टेम्परेली हॉल्ट हो सकती है। काफ़ी रन अप हो चुका था टाइटन भी, और भूलिए मत कि हाई गोल्ड प्राइसेज है, तो उसका इम्पैक्ट आता है डिस्क्रिशनरी स्पेंस पे और उसका इम्पैक्ट आएगा टाइटन पे, ऐसा वो मानते हैं। उसके अलावा लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी वो टाइटन पे बिलीव कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म के लिए वो अच्छा मान रहे हैं कि टाइटन का जो बिजनेस है काफ़ी अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए, बट मे बी नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स के लिए, दो तीन क्वार्टर्स की बात करें, ये साल की बात करें थोड़ा, तो यहाँ पे मे भी थोड़ी इम्पैक्ट आ सकती है बिजनेस ग्रोथ मोमेंटम पे और स्लो डाउन हो सकता है उनका बिजनेस नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स में। उसके अलावा वो बिलीव करते हैं कि मोर बैलेंस्ड रिस्क रिवॉर्ड अभी है टाइटन में एट करंट लेवल्स, और उसकी वजह से ये पहली बार है मॉर्गन स्टैनली ने अक्टूबर 2021 से पहली बार। ठीक है, शुक्रिया विनीत। तो डाउनग्रेड जरूर किया है, लेकिन कमेंट्री में कहीं ना कहीं ये भी इंडिकेट किया है कि अगर आप थोड़ी सी दूर की सोच रहे हैं तो वैल्यूएशंस इसके काफ़ी ठीक है, बिजनेस को लेकर कोई कंसर्न्स नहीं है।